जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अब छत्तीसगढ़ में भर्तियां ही भर्तियां आपके सामने निकल कर आ रही है। जैसे कि भूपेश बघेल कक्कर ने कहा है कि आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी भर्तियां निकलने वाली है चुनाव से पहले। जैसे कि हाल ही में आपने देखा कि शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकल कर आई है। अब शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो 12,489 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल कर आई है। उसी प्रकार आपका प्रशिक्षण अधिकारी के 366 पदों पर भर्ती निकल कर आपके सामने आई है। यानी कि अब देखिए व्यापम पीएससी में अब सिलसिला प्रारंभ हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में भर्तियां निकल कर आने वाली है। जैसे कि आप सभी ने देखा कि वैकेंसी निकल कर आई है हाल ही में, उसी प्रकार आपका सहकारिता विभाग के 522 पदों पर भी वैकेंसी निकल कर आएगी, यानी कि अगले सप्ताह हो सकता है जारी। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारी भर्तियां हैं, जैसे कि अमीन पटवारी एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी है ना, उसी प्रकार छात्रावास अधीक्षक भर्ती, लाइनमैन का भर्ती, बहुत सारी भर्तियां हैं जो आपको आगामी एग्जामों में देखने को मिल सकता है। यानी कि छत्तीसगढ़ में भर्तियां निकलकर आपके सामने आने वाली है। मैं यही बताने वाला हूं कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी भर्तियां हैं जो अब तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, यानी कि अब हाथ धर के नहीं बैठना है। बहुत दिन हो गया है कि क्लास नहीं चल रही है, ऐसे वाली बात नहीं आनी चाहिए। यानी कि हमारे चैनल पर नया बैच प्रारंभ किया गया है। अगर आप व्यापम पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो जब से पहले हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सहकारिता विभाग के बारे में, जो कि 522 पदों पर भर्ती होने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकल चुकी है, उसी प्रकार आपका प्रशिक्षण अधिकारी का भी वैकेंसी निकल चुकी है। आप लोग जाइएगा जल्दी से फॉर्म भर लीजिएगा। अब बात करने वाले हैं सहकारिता विभाग के बारे में, 522 पदों के बारे में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि देखिए सहकारी बैंकों में 522 पदों पर भर्ती व्यापम को प्रस्ताव भेज दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर राज्य बनने के बाद पहली बार है ना, पहली बार ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों में एक साथ 522 पदों पर भर्ती, ठीक है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंजीयन सहकारी संस्थाएं ने इन पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम को प्रस्ताव भेज दिया गया। यानी कि व्यापम को यहाँ पर सरकारी भर्ती के लिए, सहकारी के लिए बैंकों में 522 पदों के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उसी प्रकार यहाँ पर राज्य के सहकारी बैंक में 86, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर में 95, रायपुर में 139, दुर्ग में 74 और राजनांदगांव में 106 पदों पर भर्ती की जाएगी। सहकारी संस्थाओं के पंजीयन नरेंद्र कुमार दुबे ने बताया है कि उक्त पदों में कनिष्ठ प्रबंधन के 2, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, सामान्य सहायक तथा समिति प्रबंधक संवर्ग के पद शामिल हैं। जल्द ही इस परीक्षा के लिए व्यापम की ओर से विस्तृत जानकारी दी जाएगी। मंडल से मिली मेरिट सूची के अनुसार इन पदों पर भर्ती की जाएगी। यानी कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि छत्तीसगढ़ में अब बहुत सारी भर्तियां ही भर्तियां आपके सामने दिखाई देगा। साथ ही अगर आप पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और अब बात करते हैं छात्रावास अधीक्षक के बारे में और एडीओ के भर्ती के बारे में। तो कई स्टूडेंट ने यानी कि विद्यार्थी ने, युवाओं ने, तैयारी करने वाले ने पूछा था कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। तो मैंने कल का वीडियो में बताया कि इसके सिलेबस क्या होगा, रणनीति क्या होगी, कैसे आपको तैयारी करना है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया वो वीडियो आप देख लीजिएगा। साथ ही अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हासल वार्डन एडीओ या फिर आने वाली भर्तियां की, तो क्लास वाइज चल रही है, प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको कराया जा रहा है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करके जाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब बने रहिएगा वीडियो पर, कहीं जाइएगा मत। एक लेटेस्ट